नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी खासकर बच्चों को बहुत पसंद होती है और अब तो बड़ों को भी बहुत पसंद है। तो चलिए कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। हमने एक प्याज लिया है, इसके हमने छिलका हटा दिया है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो हम प्याज को कट कर लेंगे। प्याज को हमको बारीक कट करना है क्योंकि बच्चों को बड़ी बड़ी प्याज आ जाए या खाने में तो बच्चे खाते नहीं है, इसलिए हमको प्याज को बारीक चॉप करना है। तो हम प्याज को बारीक चॉप कर लेते हैं। इस प्रकार हमने ये सारी प्याज काट ली है। अब इसको हम काटने के बाद अलग निकाल लेंगे। अब हमने एक शिमला मिर्च ली है, इसको भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो हमने सारी शिमला मिर्च को बारीक कट कर दिया है। अब इसको हम अलग निकाल लेंगे। अब हम एक टमाटर लेंगे, इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो हमने टमाटर को भी बारीक काट लिया है। ये हमने मैक्रोनी ली है, देखिए ये मैक्रोनी होती है, इसको हमने लिया है। और इधर हमने गैस पर गर्म पानी करने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम अपनी मैक्रोनी को डाल देंगे। इसमें हमने मैक्रोनी को डाल दिया है। तो इसको हम तकरीबन 5-7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जब भी हम मैक्रोनी या पास्ता बनाते हैं तो वो हमारा चिपकने लगता है, इसलिए हमारी मैक्रोनी चिपके नहीं, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, इससे क्या होगा हमारी मैक्रोनी चिपकेगी नहीं। और हाँ, ध्यान रहे जब हमारा पानी बिल्कुल बॉयल हो जाए तभी हमको इसमें पास्ता या मैक्रोनी डालना है। ये देखिए हमारी मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है। और इसको आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसको बीच बीच में चलाते भी रहना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बॉयल हो गई है, इसको हम छलनी में छान लेते हैं। ये देखिए इसको हमने इस तरह छलनी में निकाल लिया है छान के, और इसके ऊपर हमको ठंडा पानी डालना है। तो ध्यान रहे छलनी में निकालने के बाद ठंडा पानी ज़रूर डालें, जिससे जो एक एक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब चलिए हम पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है और हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है, अगर आप कोई और तेल डालना चाहें, रिफाइंड ऑयल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा सिक चुका है, अब इसमें हम जो हमने प्याज काट के रखी हुई थी उसको हम डाल देंगे। इसको हम मिला देंगे। ये देखिए प्याज को हमने हल्का सा भून लिया है, अब इसमें हम शिमला मिर्ची डाल देंगे जो हमने काट के रखी हुई थी पहले से। इसको हम मिला देंगे और 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज और शिमला मिर्च अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे, इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर पक चुके हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है मैक्रोनी में, इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके मसाले जले नहीं, इसके लिए आप इसमें हल्का सा पानी के छींटे भी डाल सकते हैं। तो लीजिए हमने इनको भून लिया है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। यदि आपको पसंद है तो आप डालिए, और आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डालें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टमाटो केचप डाल दिया है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी जो मैक्रोनी हमने उबाल के रखी थी उसको हम डाल देंगे। तो हमने इसमें अपनी मैक्रोनी को डाल दिया है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए और मिला लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया।
तो धनिया डालने के बाद देखिए कितना अच्छा लगता है। हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई है, आप खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और बताइए कि कैसी लगी आपको। तो हम गैस को बंद कर देंगे। लीजिए हमारी मैक्रोनी तैयार है, गर्मा गर्म खाइए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। धन्यवाद।